हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ईकॉम टेली क्लासेस। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि टेली में कोई भी एंट्री कैसे पास करनी है। तो सबसे पहले एंट्री पास करने के लिए आपको होम पेज से अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, जो कि ये अकाउंटिंग वाउचर का ऑप्शन। जैसे इस ऑप्शन में गए तो आपकी स्क्रीन पे अभी नज़र आ रहा है, यहाँ आप देखोगे राइट हैंड साइड में आपको F4 नज़र आ रहा है, F5, F6, F7, F8, F9। तो एक एक करके हम सारा समझते हैं। सबसे पहले F4, F4 होता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब होता है वो ट्रांजेक्शन। इसमें वो ट्रांजेक्शन आती है जिसमें कैश और बैंक दोनों आते हैं। तो कैश और बैंक दोनों कब आते हैं? जब आप कैश कोई जमा करोगे बैंक में या कैश विड्रॉ करोगे बैंक से, तो कॉन्ट्रा में वो आएगा। देन पेमेंट, जो कि हमने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आप किसी को भी पेमेंट कर रहे हो बाई कैश और बाई बैंक, जैसे हम सैलरी पे करी, रेंट पे करी, बिजली का बिल, पानी का बिल, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी एंट्री पेमेंट में आएगी। रिसीप्ट, अगर कहीं से आपके पैसा आ रहा है वो कैश में आए या बाय चेक आए या बैंक से आए, जैसे आपको कमीशन रिसीव हुई तो पैसा आया तो रिसीप्ट में, रेंट रिसीव हुआ तो रिसीव में, किसी पार्टी ने आपको पेमेंट दी रिसीप में। उसके बाद हमारा जनरल को स्किप करते, पहले सेल्स पे आते हैं। सेल्स, आपने कोई भी सेल करी, सेल मतलब आपकी ट्रेडिंग सेल्स, जिसमें आपका मेन बिजनेस है सेल परचेस का, अगर आप सेल करते हो वो सेल में रिकॉर्ड करोगे, और अगर इसको परचेस करते हो तो आप परचेस में रिकॉर्ड करोगे। अब लास्ट आपका F7 जर्नल। जर्नल में वो एंट्रीज आती है आपकी जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन लगी किसी भी फिक्स एसेट पर, मान लो मशीन पर लगी, तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट मशीनरी, तो इसको रिकॉर्ड करोगे आप F7 में जर्नल में। या कोई एंट्री जो आपकी नॉन ट्रेडिंग है और कैश इन्वॉल्व नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने ऑफिस के लिए एक AC परचेस करा यूज़ करने के लिए, और उसे आपने उधार में ख़रीदा, तो आप एंट्री पास करोगे AC अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम, तो उसको भी रिकॉर्ड करो जनरल में। अब एक एक करके सबकी एक एक एंट्री पास कर लेते हैं और देखते हैं कैसे एंट्री पास होगी। पहले पास करते हैं F4 कॉन्ट्रा की। तो कॉन्ट्रा में बताया कि एंट्री देखो, कॉन्ट्रा करते ही सीधा कॉन्ट्रा यहाँ पर आ गया। तो इसमें अगर आपने बैंक से जमा करवाए बैंक में, फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक में 50,000 रुपये जमा करवाए, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्रेडिट होगा इसमें कैश, तो कैश लिख लिया हमने। कैश 10,000 रुपये जमा करवाए और डेबिट होगा हमारा बैंक, तो बैंक अभी लेजर बना नहीं हो, तो ओल्ड प्लस सी से एक लेजर बनाते हैं। ओल्ड सी से हमने लेजर बनाया SBI बैंक का और इसको दिखाया बैंक अकाउंट में, कंट्रोल इसे सेव करा और ये जमा कर दिया। यहाँ पूछ रहा है कि आपसे जो पैसे आपने बैंक में जमा कराए उसके नोट कौन से थे, 2000 के 5 नोट थे, हमने लिख लिया और एंटर पास कर दिया। नरेशन डिफाइन कर देंगे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये हम नरेशन डिफाइन कर देंगे, अब स्किप कर देते हैं इसको, ये एंट्री हमारी पास हो गई। सेम अगर पैसा निकालोगे बैंक से तो वो एंट्री भी यहाँ पर हो जाएगी, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, कैश डेबिट होगा आपका। अब एक एंट्री पास करते हैं पेमेंट में, तो पेमेंट सेलेक्ट करते हैं F5 से पेमेंट। पेमेंट में बताया कि कोई भी खर्चा हो गया जिसके लिए आपके पास से कैश जा रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है, आपने सैलरी पे करी, रेंट पे करा, वाटर पे करा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पे करा सैलरी, तो ओल्ड सी से लेजर बनाया सैलरी का, इसको दिखाया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, कंट्रोल से सेव करा, हमने खर्चा पे करा 5,000 रुपये और यहाँ लिखा कैश। नरेशन डिफाइन कर दोगे आप और उसको सेव करो, तो इसी तरह सारी एंट्रीज हो जाएगी पेमेंट की, सैलरी की, रेंट की, इलेक्ट्रिसिटी की। अब रिसीप्ट सेलेक्ट करते F6, मान लो आपको कमीशन मिली 20,000 रुपये किसी से, तो कमीशन मिली है तो आपके लिए इनकम होगी और पैसा आपके पास आया, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, क्रेडिट होगा कमीशन रिसीव, कमीशन का लेजर नहीं बनाया तो बनाते हैं ओल्ड प्लस सी से, कमीशन रिसीव्ड, इसको दिखाया इनडायरेक्ट इनकम में, कंट्रोल से सेव करा, पैसे मिले 20,000 रुपये और यहाँ पे हमने कैश कर दिया। इसी तरह जितने भी पैसे मिलेंगे किसी पार्टी से पैसे मिलेंगे तब भी रिसीट में आ जाएगा। अब बात करते हैं F7 की। मान लो आपने एक फर्नीचर परचेस करा, तो फर्नीचर परचेस करा आपने यूज़ करने के लिए उधार पर, और उस पार्टी का नाम है ABC लिमिटेड, तो हमारे पास फर्नीचर आया, फर्नीचर लेजर बनाते, फर्नीचर हमारी फिक्स एसेट होगी, हमने 20,000 का फर्नीचर परचेज करा और पार्टी का नाम हो गया ABC लिमिटेड, इस कंपनी से हमने ख़रीदा है, तो ख़रीदा तो क्रेडिटर होगा ये हमारा, कंट्रोल से सेव करा। अब इसमें चार ऑप्शन दिख रहे हैं, ओन अकाउंट, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट, और ये भी समझ लेते हैं।
ऑन अकाउंट मतलब जब भी हम किसी पार्टी से परचेज करते हैं, सेल करते हैं, वो पार्टी हमें बिल नहीं देती तो हम ऑन अकाउंट करते हैं, और अगर किसी पार्टी से हमें बिल मिला तो न्यू रेफरेंस में जाके उसका बिल नंबर डालते हैं, और जब हम पार्टी को पेमेंट करेंगे या पेमेंट मिलेगी तो अगेंस्ट रेफरेंस में जाके उस बिल के अगेंस्ट पेमेंट मिलेगी हम रिसीव करेंगे, ठीक है। और अगर पार्टी से कुछ एडवांस मिल गया तो एडवांस सेलेक्ट करके हम लिखते हैं, तो अभी से ऑन अकाउंट कर देते हैं। अब हम F9 पे चले जाते हैं, परचेस की एंट्री भी देख लेते हैं हम। अब परचेस में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, बच्चों को समझ लेते हैं। देखो क्वांटिटी का ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है, जब भी हम कुछ आइटम परचेस करते हैं, हमने 2 पीस खरीदे 3 पीस खरीदे तो क्वांटिटी हमें चाहिए यहाँ पे। अगर मैं क्वांटिटी हटाऊँ तो अकाउंटिंग इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो क्वांटिटी का ऑप्शन हट जाएगा, तो अगर ऐसा शो करो तो आपको आइटम इनवॉइस पे जाना है, आपको यहाँ क्लिक करनी है। तो मान लो हमने विजय सेल्स से कुछ परचेस करा, विजय सेल्स बनाया हमने लेजर यहाँ पर, विजय सेल्स हमने विजय सेल्स से परचेस करा तो ये भी क्राइटर हो गया। परचेज में परचेज आ जाएगा, परचेज परचेज अकाउंट के अंदर ही आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक शोरूम है एसी का, तुमने एक एसी परचेज करा तो यहाँ इन्वेंट्री बनाई गई, एयर कंडीशन लिख दिया हमने, और सी करा पीसीस, ये हम बाद में समझेंगे इन्वेंट्री अलग से भी, तो भी सेव कर लेते हैं। यहाँ पूछे आपने 10 पीस पर खरीदे, 20,000 का खरीदा, तो ये एंट्री हमारी पास हो गई, इसमें जीएसटी इग्नोर कर रहे हैं, बाद में देखेंगे। सेम अगर सेल की एंट्री पास करनी है, हमने एसी का अगर सेल करा तो सेल सेलेक्ट करेंगे, देन पार्टी, मान लो हमने मोहन को सेल करा, मोहन ब्रदर, तो ये हमारे हो गए डेटर्स। तो सेल्स में सेल्स आएगा, सेल्स सेल्स अकाउंट में ही आएगा आपका। एसी सेल करा हमने, एसी के 5 पीस सेल करे और हमने बेचा 25,000 का, तो सेल की एंट्री भी रिकॉर्ड हो गई। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि एंट्री पास करते समय हमें ध्यान रखना है कि कौन सी एंट्री किस वाउचर में होगी, कॉन्ट्रा में होगी, पेमेंट में होगी, रिसीट में होगी। पहले आपको सोचना है कि एंट्री कहाँ पास होगी, फिर एंट्री पास करनी है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। तो आज की वीडियो हम यही कंप्लीट करते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय माता दी।